बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैध सर, आप देख रहे हैं A29 न्यूज। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के लिए 200 मिलियन डॉलर के पैकेज की मंजूरी दे दी, जो कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जरूरी तबी सामान की फराहमी के लिए 38 मिलियन डॉलर की इजाफी रकम भी हासिल की जाएगी। मुल्क में कोरोना का शिकार अफराद की तादाद 2708 तक जा पहुंची। 40 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटों में 258 नए केसेस रजिस्टर किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हर वक्त अवाम और इनके मफादात का तहफ्फुज़ करेंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है, जबकि गैर मुन मदद के लिए लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते। तुर्की में फंसे 194 पाकिस्तानी PIA की प्रवास के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। याद रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन पर अमल दरामद में सिविल इंतजामियों की मदद के लिए वफाक से फौज तैनात करने की दरख्वास्त की थी। कोरोना वायरस से मुतासर और हलाक होने वाले मरीज और तबई अमले की याद में एक रोज़ा शोक जारी है। इस दौरान चीन और दुनिया भर में चीनी सिफारतखानों पर मौजूद चीनी परचम सुरनगु रहेंगे। लैयर के शहर फतेहपुर SHO तबादला खुरम रियाज मुजफ्फरगढ़, जबकि दानिश फतेहपुर में तैनात, चार्जेस संभाल लिए गए। कोरोना वबा की वजह से फीफा वुमेन अंडर 20 और अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप मुलतवी होने के इम्कान पैदा हो गया है। PSL 5 के बकिया मैचेस पर मुल्तान सुल्तान का मौकफ तब्दील होने लगा। PCB से मीटिंग और उसके बाद ईमेल के जरिए खुद को फातिया करार देने का मुतालबा कर डाला। याद रहे, गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर PSL 5 में शरीक मालिक अली तरीन ने रवां बरस के आखिर में मुकाबलों की हिमायत कर डाली। मजीद हेडलाइंस के लिए देखते रहिएगा A29 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।